अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो का मेन टॉपिक है वो है कि HRV 2023 में वर्थ करती है उसकी प्राइस या नहीं। आज के ब्लॉग के लिए मुद्दा है ये, ऑब्जेक्टिव है कि आप शेयर देखेंगे आगे से तो बहुत ही कोई आपको लगेगा कोई बहुत अच्छी गाड़ी है। लोग मतलब एग्रेसिव लुक है इसका बहुत ज़्यादा। तो गाड़ी हमने ली थी ग्रे कलर में, बहुत अच्छा कलर लगा था हमको, बहुत अच्छे लुक है आगे से तो उसको देख सकते हैं आप। इसकी जो है ना वो आती है मज़दा की एक गाड़ी आती है उसके ये है शायद CX-8 है नाम उसका, आई थिंक वैसा है इसका लुक है आगे से। DRL मौजूद है जो कि बहुत खूबसूरत लगते हैं, DRL बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। ये दिखा है अपना, आपको मैं दिखाता हूँ, गाड़ी खोलते हैं तो देखिए DRL चलते हैं। ये ओए होए होए रिम देखे, रिम भी ग्रे कलर के मैचिंग रिम है, हम लुक बहुत टाइट है। जो ब्लैक आउटलाइन जा रही है ना ये देखें, सारे पैसे इस लुक के हैं बॉस। यहाँ पे गाड़ी के अंदर स्मार्ट एंट्री का फीचर मौजूद है, यूँ करूँगा तो गाड़ी खुल जाएगी और ये बटन से गाड़ी हो जाएगी लॉक। ये वही गाड़ी लॉक, अभी मैं खाली यूँ करूँगा गाड़ी खुल जाएगी। उसको बोलते हैं स्मार्ट एंट्री, जो तकरीबन आजकल हर नई गाड़ी में होती है। एक लुक है वो बहुत ज्यादा कोई आउटक्लास लुक है, ये देखें वाह। और ये गाड़ी कुछ कुछ में लगता है मुझे मिलती है ऑडी की जो वो है गाड़ी ई-ट्रॉन, लाइट है कुछ उसे इंस्पायर होकर लगाई है, ऐसी लगता है मुझे क्योंकि देखो वैसे ही लुक आता है उन, थोड़ा बहुत ऐसा लुक आता है, टच आता है ऑडी की ई-ट्रॉन जैसी लाइटों का। पीछे जो लिप है इन्होंने दिया है वो सिल्वर कलर का लिया और उसके ऊपर ब्लैक आउटलाइन, वो ब्लैक आउटलाइन पूरी गाड़ी को थोड़ा अच्छा एक निखार के लुक देती है। बाकी मैंने फ्यूल टैंक आपको खोल के दिखाया था वो है, ये देखें ये वो चीज़ है। बाकी ये कुछ निशाना अगर आ सकता है आपको, गाड़ी खड़ी होती है भाई रोड पे ये तो होगा यार। देखिए किसी बाइक वाला कोई मार के चले गया रोड पे, ये किसी बच्चे ने पता होता मार के दौड़ दी, पता नहीं लोग क्यों करते हैं, समझ नहीं आती ये बात। बाकी गाड़ी है वो हमेशा हमारी न्यू कार कांग्रेस की होती है, तो आप भी आ सकते हैं, नंबर सब बैठे बैठे सब लिखा हुआ है, आप भी आए, आपको भी हम लोग अच्छे से अच्छा करेंगे, आपको अच्छी अच्छी गाड़ी देंगे अच्छे रेटों में, आप भी आ सकते हैं न्यू कार कॉम्प्लेक्स। बाकी ये गाड़ी का लुक, ये कुछ गाड़ी का लुक है आगे से वाइड एंगल व्यू में। और जो साथ है गाड़ी का हमने लिया है चॉइस नंबर 8181। ये है कुछ हमारी गाड़ी का लुक, मैं यहाँ पर फॉर्च्यूनर खड़ा हुआ किसी का, ये बड़ा टाइट लुक है यार, उधम मजा आ जाए ऐसा लुक है भाई। और खोल तो भी हमारे डिग्गी में ऐसे डायरेक्ट खोल सकते हैं, तो मुझे शिकायत है बताता हूँ खोल के। ये देखें ये सामान रखा मेरे अंदर गाड़ी में बैठ, हमसे गाड़ी की डिग्गी में आ गया तो मैं ये बोल रहा था डिग्गी मसला ये है इसके अंदर, शिकायत ये है कि इसके अंदर बटन नहीं है डिग्गी बंद करने का, ऑटोमेटिक बूट। जो जितनी भी SUV आती हैं स्पोर्टेज में MG में उस सब में आता है, ये ग्लोरी में आता है, मगर इसके अंदर वो ऑप्शन उन्होंने नहीं दी, जो कि एक मुझे लगता है देनी चाहिए थी इनको, क्योंकि गाड़ी कुछ टाइम पर उन्होंने कम्पीट कर रही थी और उन्होंने नहीं दी, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। मगर अच्छी बात यह है कि उन्होंने फुल साइज अलार्म वाला वो दिया हमको स्पेयर व्हील, जो कि मेरे ख्याल से सब में वो आता है छोटा वाला आता है, मगर इन्होंने फुल साइज दिया इसके अंदर। अंदर टू डोर इंटीरियर और ये गाड़ी का यहाँ से लुक है, पूरा आ चुका दिखाता भाई, मैं इस डिग्गी में पूरा आ चुका हूँ। ये देखें ये मेरे पैर और ये मैं पूरा, और ये गाड़ी का लुक। करते हैं अब HRV के अंदर फीचर्स की। सबसे पहला फीचर जो मेरे ख्याल से बहुत कम गाड़ियों के अंदर होता है वो ये है, देखिए उसके अंदर AC के बहुत एयर वेंट है। हमारे पास ऑप्शन ये है, या तो हम ये वाले एयर वेंट से हवा लें सही है, या कर्टन एयर वेंट्स को बोलते हैं कर्टन एयर वेंट्स। अगर मैं कुछ यूँ करूँगा ना ये साइडों पर हवा आएगी, जिससे ना एक वैक्यूम बन जाएगा, यहाँ पे साइडों से हवा आएगी तो पूरी गाड़ी सही से कूल हो सकती है एक साथ। इसको यूँ कर दो यहाँ से हवा आएगी, यूँ कर दो अब एयर वेंट बंद हो जाएगा आपका, सही है ये सिस्टम है इसका। एक बात है, ये जो होती है गाड़ियाँ ज़्यादातर का जो होता है फ्यूल टैंक खोलने का और बुलेट फ्यूल टैंक खोलने का, वो इधर सीट के नीचे होता है, जो ये थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है लोगों को, हमें भी लगता है, मगर देखो इसके अंदर फ्यूल टैंक का ये रहा, यहाँ पे लेवर को यूँ खींचेंगे खुल गई आगे बोनट, यहाँ से खुल जाएगा, ये सिस्टम है इसका।
जो पावर वो पुशर बटन मतलब अनकंफर्टेबल जगह पे दिया, ये गाड़ियों का क्या होता है इधर होता है इस जगह पे, यहाँ उन्होंने मीटर की ये सही करने का दिया, ब्राइटनेस सही है। ये देखो मैं करता हूँ अगर ये देखें, और यह इधर इधर देते हैं पुश स्टार्ट बटन, इन्हें बड़ा अच्छी जगह पे दिया। ये देखें कहाँ अंदर घुसा है, छुपाव है। ये इंडिकेटर का ऑप्शन है, उसके ऊपर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है। ये बड़ी अजीब सी जगह पे है, नॉन कन्वेंशनल जगह पे, सही है। इधर इन्होंने लाइट नहीं दी हुई जो कि होनी चाहिए यार। अब बंदा गाड़ी ले रहा है, उस टाइम लगा 62 की थी, अब तो 80-85 की हो गई है, तो देना चाहिए इनको यार। ये एक चीज की कमी है, बहुत ऐसी चीजें मतलब कुछ फायदा नहीं है मगर होनी चाहिए यार, गलत बात है ये नहीं दी इन्होंने। इतना स्टेयरिंग व्हील की तो इसके सबसे ज्यादा कमी नजर आएगी ना आपको, वो है क्रूज कंट्रोल नहीं है यार, खाली खाली लग रहा है बहुत। और ये साइड भी देखो बिल्कुल खाली खाली है, ग्लॉसी ब्लैक लुक में अच्छी है मगर है खाली। जो इसके अंदर है वॉइस कंट्रोल, जो कभी चलता है कभी नहीं चलता। बाकी ये मीटर है इसका, ये हमें फिलहाल दे रही है 11 की एवरेज दे रही है ये। और रेंज दिखा रही है, इतने 3 डॉट का पेट्रोल है 137 किलोमीटर, सही है। और हमने गाड़ी तक चला चुके हैं 1700 किलोमीटर। जो इसके अंदर है वो दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें ये बैक कैमरा, ये अंदर ये आ गया अंदर का कैमरा, ये आप देख सकते हैं। और ये है आगे का फ्रंट कैमरा, उसे देखिए स्पोर्टेज खड़ी है सामने, ये स्पोर्टेज इन द कैमरा, ठीक है भाई। कैमरा ये लगा हुआ, ये सर उसका फ़ायदा ये है कि आपको कोई वीडियो कॉल करनी हो, अर्जेंट ऑफिस की मीटिंग हो, जूम की मीटिंग हो, तो आप इसमें कर सकते हैं। डुअल क्लाइमेट कंट्रोल है, ये देखें यहाँ का मैं कर लूँ 23 और यहाँ का मैं लो रहने दूँ और नेक्स्ट कूल दबा दूँ, क्या कूलिंग होगी, मगर ये सिंक हो जाएगा मैं इसको दबाऊंगा तो। मैं इसके अंदर जो हैंड ब्रेक है वो देखें, ये देखें इसके अंदर जो हैंड ब्रेक है वो ये वाला है, ये हो गया नीचे। और ये मैं करूंगा बटन ऊपर तो जल गया हैंड ब्रेक, ठीक है भाई साहब। इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग भी है जो कि एक अच्छा फीचर है। गाड़ी की फर्स्ट और सेकेंड मेंटेनेंस भी हम लोग करवा चुके हैं होंडा से, और बहुत अच्छी सर्विस दी है उन लोगों ने हम लोग। देखें आप जो स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स हो अच्छा, देखिए मैं बताऊंगा बटन, ये देखें आप फौरन चेंज हो जाएगा, ये मैं अगर करूँ वॉल्यूम, ये देखें सिस्टम अच्छी चीज है ये, तो क्रूज कंट्रोल की कमी है इसके अंदर। ये देखो हॉर्न बड़ा अजीब सा यार, ये देखो इतना हल्का क्या हुआ इसका। तो कुछ यही चीजें हैं जो डिफरेंट है इस गाड़ी के अंदर बाकी गाड़ी से, बाकी सब तो सेम है। हाँ पीछे एसी के एयरवेंट जेब है जो कि बहुत अच्छे हैं, मगर एक प्रॉब्लम है पीछे जाकर बताता हूँ। जो मैं बोल रहा था वो ये है, ये देखें ये है ना, ये देखें ऊपर नीचे, ये नीचे ये ऊपर है, इसकी वजह से थोड़ा जो बंदा इसमें बैठता है उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो भाई बाकी तो गाड़ी बहुत अच्छी है, और जिस प्राइस में हमें मिली है वो तो बहुत ही आउट क्लास हो गई भाई। जितने की हमने ली थी बिल्कुल शुरू में जब आई थी, हमने उसी वक्त बुक करा ली थी, वो बहुत अच्छी प्राइस में मिल गई हमको। अब तो खैर बहुत महंगा महंगी हो गई, सारी गाड़ियां महंगी हो गई, यही नहीं महंगी हुई, ठीक है भाई, सारी गाड़ियां महंगी हो गई, अब क्या कर सकते हैं। अब तो जो भी है वो है बस। खैर ये तो हमें बहुत सस्ती मिल गई, तकरीबन जितनी हमने ली थी ना तकरीबन 2 मिलियन उससे ऊपर जा चुकी है इसकी प्राइस अब, तो आप समझ ले कितने की ली हमने, ठीक है। That's it for today's video and vlog. So भाई आज के व्लॉग तक ले इतना ही, अगले व्लॉग तक ले अल्लाह हाफिज़, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू। मेरा जो परचेज डिसीजन होगा अगर वर्थ करती है नहीं करती, अभी इसकी प्राइस मेरे ख्याल से 83-82 लैक्स की है, तो इतने में मुझे नहीं लगता ये गाड़ी वर्थ करती है 83 लैक्स, क्योंकि इसमें ना सनरूफ है ना क्रूज कंट्रोल है, ठीक है, जो तकरीबन हर उसमें होता है यार, हर क्रॉसओवर में आ रहा है ये।
नो ऑटोमेटिक बूट बंद करने का ऑप्शन है, मगर जो प्राइस में हमने ली थी उससे फिर भी वर्थ करती है। 62 लाख में तो ये अच्छी खासी वर्थ करती है।